हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहद एक्सप्लोरर। आज काफ़ी टाइम के बाद हम व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी बीच में। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसके बाद मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसके बाद बेबी हो गया, उसके बाद उसके काम, उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ, मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट मेरा मन ही नहीं करता था। अब बहुत टाइम के बाद मुझे दोबारा से मोटिवेशन मिली है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि यार मेरा चैनल है, बहुत मेहनत की है मैंने उसके ऊपर, तो आई थिंक मुझे कुछ करना चाहिए स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईद के व्लॉग से। ईद उल अदा है आज, तो आपको मुबारक हो सबको। और मैं हूँ यहाँ पर दुबई में, अबू धाबी में, तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे एज सच यहाँ पर कुछ नहीं होता, फैमिली नहीं होती, अपने नहीं होते, तो बस हम आपस में फ्रेंड्स मिल लेते हैं और खाना वाना बना के खा लेते हैं। खुद ही हम खा चुके हैं बिरयानी, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी थी स्टार्टिंग में। अभी आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वैसे आज हमारा रात को प्लान है जाने का, हम 2 दिन स्टे के लिए जा रहे हैं शारजा, तो वहाँ के व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो कीप शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये है मेरा आज का आउटफिट, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड ये जो ड्रेसिंग टेबल मेरी थोड़ी मैसी हुई भी, उसको थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़। और मेरे पीछे भी अगर आपको थोड़ा सा मैस नज़र आ रहा हो तो उसको भी इग्नोर करना। अब मैं मॉम हूँ तो वो ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो ये है मेरा आउटफिट, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह का आउटफिट है मेरा। तो आइए चलते हैं, हस्बैंड को दिखाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कि मुझे रेडी हुआ वह देख के क्या होता है। चलते हैं, चलते हैं क्या बोलते हैं ये देख के। तो गाइज़ आइए अभी चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। मैं ये आपके साथ रात की वीडियो शेयर कर रही हूँ, रात की आई मीन सुबह फजर की समझ लें आप। तो उस टाइम पर मैं शीर बना रही थी। शीर बनाने के बाद जब सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ ना, उसके बाद मैंने अपने मेहंदी लगाना स्टार्ट की थी। और मैं स्टिकर्स लेकर आई थी और इंस्टेंट मेहंदी लाई थी, जो कि थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट स्टिल यार खाली हाथ से तो ठीक ही था। उसके बाद अब दोपहर का टाइम हो गया है, मैं बिरयानी बना चुकी हूँ, साथ में दही बड़े बनाए थे, ये रेड वाली चटनी जो कि मैंडेटरी होती है हम दिल्ली वालों के लिए, वो मैंने बनाई थी। और उसके बाद ये है हमारी देगी बिरयानी। देखकर बताना कैसी लग रही है, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। और मैं आपको बता दूं, मैंने शीर फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैं इनको देने के लिए जा रही हूँ और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी शीर। इनफैक्ट मुझे भी पसंद आई थी, अदरवाइज़ मैं खाती नहीं हूँ। तो ये है मेरी रीज़न जिनकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से। तो शी इज़ माई डॉटर एंड इनको मैं रेडी कर चुकी हूँ और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ। अब हम बाहर चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो गाइस, शी इज़ द रीज़न कि मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी इतने टाइम से। शी इज़ माई बेबी गर्ल, जो कि अब ऑलमोस्ट 6 मंथ की होने वाली है, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, लेट्स सी मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, अब देखते हैं क्या करते हैं आगे आगे हम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं बाहर ना, फोटोज़ बहुत अच्छी आती है। एक बार भी हमने वहीं पर ली थी, हमेशा ऑलमोस्ट हम वहीं लेते हैं फ़ोटोज़। तो अभी बाहर फ़ोटो लेते हैं और वो भी मैं दिखा दूंगी आपको वीडियो में टैग करके। हवा बहुत अच्छी चल रही है, वैसे गर्मी है बट हवा सही चल रही है। तो अभी फ़ोटोज़ लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और अभी अपनी पूरी आउटफिट भी मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज अभी हमारा प्लान बना है कि हम जा रहे हैं इनके एक फ्रेंड की तरफ। अब देखते हैं वहाँ पर जाके क्या रहता है, उसके बाद रात को हमें निकलना है। तो वो सारा पूरे दिन का आपके साथ शेयर होता रहेगा। बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ तो उतना वो भी नहीं आ रहा है, मतलब मन सा नहीं कर रहा है करने का, बट स्टिल अब कंटिन्यू रखना है यार चैनल को अपने। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने उस पर, 18,000 सब्सक्राइबर्स को मैंने बहुत टाइम में गेन किया है, तो अब करेंगे कंटिन्यू। बाहर गए थे फ़ोटो लेने के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पूरा मेकअप उतर के आने वाला है। तो वापस आ रहे हैं, अभी हम वापस घर जा रहे हैं अंदर, फिर थोड़ा सा सामान वगैरह लेंगे और इनके फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, आगे फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाएंगे। तो आज यही चलता रहेगा यार, इधर उधर आना जाना। चलिए अभी मिलती हूँ आपसे। फिर हम आ गए हैं इनके फ्रेंड के घर पे, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा हम रुके नहीं थे तो मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया है, और जितने भी देर रुके थे तो वो थोड़ा बातों में टाइम निकल गया था। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अब भी इनके एक फ्रेंड के यहाँ से तो हम आ गए हैं, मैंने वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि
किसी के कंसेंट के बिना ऐसे शूट करना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम वहाँ से आ गए हैं, अभी हम इनके एक और फ्रेंड के घर पर जा रहे हैं। यहाँ से अभी ये लेने गए हैं उनके लिए कुछ, ये देखिए केक गैलरी से कुछ गिफ्ट लेने गए हैं उनके लिए। लाइट आ रही है मेरे फेस पर आगे से। तो ये वहाँ से लेकर आएंगे, फिर हम इनके एक और फ्रेंड के घर पर आज जाने वाले हैं। अभी मायशा सो चुकी है। हाँ बाय द वे मैं बता दूँ, पूरी मायशा नाम है इसका, ये सो गई है अभी। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में आ गए हैं। ये कुछ भी लेके नहीं आए, क्या हुआ कुछ नहीं मिला। तो अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि हमें रात में निकलना है शारजा के लिए जल्दी। और आई थिंक अराउंड 2 घंटे की ड्राइव है, तो ये थोड़ा सा सोएंगे ताकि ये फ्रेश हो जाएं ड्राइव करने के लिए। अभी हम आ गए हैं यहाँ से गोलगप्पे लेने। क्या गरम है तुम्हें? अभी बना के लाया हो क्या? जी गरम, पहली बार मैंने गरम देखा। गोलगप्पे भी गरम होते हैं। तो अगर आप दिल्ली वाले हो तो दिल्ली जैसे गोलगप्पे तो कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, बट इन्हीं से काम चलाना पड़ता है यार यहाँ पर रह के। और फैन मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे, फाइनली मुझे मिल गए। तो गाइस ईद हो चुकी है और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है यार, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा इस बारी, बहुत थकान हो गई है। तो अभी मैं करने लग गई हूँ पैकिंग। हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए, लेकिन मैंने सामान पता है कितना निकाला है, 4-5 ड्रेसेस तो मैंने अपनी निकाली हैं और 8 या 9 मैंने मायशा की निकाली हैं। इनका क्या सामान होने वाला है? 2 जीन्स 2 टी-शर्ट्स बस। तो मेरा और मायशा का बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं कि इस वाले बैग में आ भी पाता है या नहीं आ पाता है, हमें बड़ा वाला सूटकेस उतारना पड़ता है। तो मैं अभी ये पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके तो मेरी पैकिंग हो गई है यहाँ पर, हमने डिनर कर लिया है, अब किचन को साफ़ करके बर्तन धो के हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बर्तन धोना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है यार, लेकिन अब सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पर, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता होगा कि यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा ऐश की है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हाँ ये सारे काम करने के बाद वीकेंड पे आप जा सकते हो घूमने, तो वो बात अलग है, बट पूरा वीक आपको ना घर के सारे काम 1-2 खुद करने पड़ते हैं। तो दैट्स इट, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मैं बहुत जल्दी मिलूंगी। इसके बाद मैंने वैसे अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, जर्नी का जो भी रहेगा हमारा वो सारा आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।